हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में हेडिंग डालना है एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, या आप पेपर में लिख रहे हो या बोर्ड के भी पेपर में लिख रहे हो तो आपको ऐसा ही हेडिंग डालना है। फिर दो लाइन छोड़ के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से आपको शुरू करना है। द पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अ प्रेयर टू गॉड। द पोयम इज रिटन इन अ फ्री वर्स फॉर्मेट विदाउट एनी राइम स्कीम और कंसिस्टेंट मीटर। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल रिपीटेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन एक्सेट्रा। एन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, वेयर टायरलेस ड्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। हियर वी कैन एक्चुअली विजुअलाइज टायरलेस ड्राइविंग स्ट्रेचिंग इट्स आर्म टू रीच इट गोल। In the poem, Tagore addresses God as my father and asks him to awaken his country into a heaven of freedom, where there is a total freedom of good thoughts, good words, and good action. He wishes for a country where people would be free from fear and where knowledge would be free to all individuals and people from all caste and religion would be united. तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी एक सा वर्ड, मतलब न्यू वर्ड, जैसे आपने द पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को अंडरलाइन करना है। उसके साथ आप पोइट का नाम लिख रहे हैं तो पोइट के जो आप नाम लिख रहे हैं उसे भी अंडरलाइन कर रहा है, मतलब उसे अच्छा इंप्रेशन गिरता है, हाईलाइट होता है। उसके साथ साथ जो आप फिगर ऑफ स्पीच लिखते हो उन्हें भी अंडरलाइन करना है, और जो एग्जाम्पल आप समझाते हो उसे भी आप अंडरलाइन कीजिए, और ऐसे नीट एंड क्लीन लिखना जिससे आपको 5 में से 5 मार्क ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।